सुबह सुबह की इस भागदौड़ वाली ज़िंदगी में हम अक्सर चाहते हैं कुछ ऐसा नाश्ता बनाएं जो कि इजी भी हो, टेस्टी भी हो और हेल्दी भी हो, और क्या अगर वो ऑयल फ्री हो तो। तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ चावल दाल का ये ज़ीरो ऑयल नाश्ते की रेसिपी, जिसे बनाना है बेहद आसान। अगर आप डाइटिंग कर रहे हो या हेल्थ कॉन्शियस हो तो ये रेसिपी आपके लिए परफेक्ट है। इसे आप नाश्ते में ले सकते हो या नहीं तो बच्चों के टिफ़िन में पैक कर सकते हो, बिल्कुल परफेक्ट जाती है। वीडियो अगर ज़रा सी भी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और बगल में जो बेल आइकन है उसे दबाकर ऑल भी कीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं आज की रेसिपी, सो लेट्स बिगिन। चावल दाल का ऑयल फ्री और टेस्टी नाश्ता बनाने के लिए सबसे पहले हम एक मिक्सिंग बोल में ऐड कर देंगे चावल। यहाँ पर मैंने एक कप चावल ले लिया है, आप अपने पसंद के कोई भी चावल का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने नॉर्मल चावल लिया है जो मैं रेगुलरली घर में बनाकर खाती हूँ। इसके साथ साथ हम इसमें ऐड कर देंगे आधा कप मसूर की दाल, एक तिहाई कप चना दाल। इन सबको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो अपने पसंद की कोई और दाल भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इसे आप अच्छी तरीके से एक बार मिक्स कर ले। तो यहाँ पर मैंने इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी पानी और इसे हम अच्छी तरीके से वॉश कर लेंगे। तो इसे आप हल्का सा इस तरीके से मसल मसल कर वॉश करें, ताकि इसमें जितनी भी गंदगी हो ना वो निकल जाए। और ये जो गंदा पानी है उसे मैं फेंक देती हूँ और इसे मैं 2 से 3 बार साफ पानी से अच्छे तरीके से धोकर लाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसे धो लिया है, वापस से मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पर मैंने ये पानी ऐड कर दिया है और अब हम इसे 1 घंटे के लिए फूलने के लिए छोड़ देंगे। इसे फूलने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता, 1 घंटे में अच्छे तरीके से फूल जाता है। तो यहाँ पर लगभग 1 घंटे हो गए हैं और हमारे ये चावल दाल जो है वो अच्छी तरीके से फूल गया है, ये देखिए। और इसकी क्वांटिटी भी जो है ना वो इंक्रीज हो गई है। और अब मैं आपको एक दाल को तोड़कर दिखाती हूँ, ये देखिए चना दाल जो है ना वो अच्छी तरीके से टूट रहा है। इसका मतलब यह है कि हमारा जो चावल दाल है वो अच्छी तरीके से फूल कर तैयार है। और अब हम क्या करेंगे, इसका जो एक्स्ट्रा पानी है उसे निकाल देंगे और इसे ब्लेंडिंग जार में डालकर इसे पीस लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ले लिया एक ब्लेंडिंग जार और इसमें हम ऐड कर देंगे दाल चावल। मैं इसे 2 बैचेस में ग्राइंड करूँगी, आप चाहें तो इसे एक बार में ही ग्राइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये चावल दाल डाल दिया है, आप चाहें तो इसमें पानी ऐड कर सकते हैं या नहीं तो बिना पानी के भी इसे ग्राइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला बैच का जो दाल चावल है वो पिस गया है, तो इसे मैं बोल में निकाल देती हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हो इसकी जो थिकनेस है ना वो बहुत ही ज़्यादा गाढ़ी है, तो चिंता ना करें, हमें इसे पतला बनाना है। नेक्स्ट बैच जो मैंने पीसा है वो थोड़ा सा पतला है क्योंकि मैंने इसमें पानी ऐड किया है। तो इसकी कंसिस्टेंसी का आप चिंता ना करें, हमें इसे हल्का सा पतला ही रखना है। और अब हम इन दोनों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये जो रेसिपी है इसमें हम सोडा का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे, तो ये और भी ज़्यादा हेल्दी हो जाएगी। एक बार हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि हमने क्या किया ना, 2 बैचेस में इसे ग्राइंड किया है। एक बैच का जो मिक्सचर था वो थोड़ा सा गाढ़ा था, दूसरा बैच का जो मिक्सचर था वो काफ़ी ज़्यादा पतला था, इसीलिए हम इन सबको अच्छी तरीके से एक बार मिक्स कर लेंगे। तो इस तरीके से आप हल्का सा इसे फेंट लें। हम इसमें सोडा नहीं ऐड करेंगे, तो इसे एक बार फेंटना बहुत ज़रूरी है ताकि हल्का सा फ्लफ़ी बने। आप चाहें तो इसमें सोडा ऐड कर सकते हैं, पर बिना सोडा का भी ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो यहाँ पर मैंने इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है और इसकी कंसिस्टेंसी का आप चिंता ना करें, हमें इसे हल्का सा पतला ही रखना है। और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी बाकी के सारे इंग्रेडिएंट्स। तो यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 1 बड़ा साइज़ का प्याज, जिसे मैंने बिल्कुल बारीक कट कर लिया है, इसे हम इसमें ऐड कर देंगे। इसके साथ साथ मैं ऐड कर रही हूँ गाजर, यहाँ पर मैंने 1 गाजर लिया है जिसे मैंने अच्छी तरीके से छील कर एकदम फाइनली ग्रेट कर लिया है, इसे भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। उसके साथ साथ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ धनिया पत्ता, थोड़ा सा ज़्यादा ही ऐड करें, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। उसके साथ साथ हम इसमें ऐड कर देंगे अदरक, तो यहाँ पर मैंने ये 1.5 इंच अदरक लिया है जिसे मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है, आप चाहें तो इसे ग्रेट भी कर सकते हैं। और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच चिली फ्लेक्स, आप इसकी जगह पर हरी मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 1/2 छोटी चम्मच अजवाइन ऐड कर देंगे पाचन के लिए,
स्वाद अनुसार नमक या एक चम्मच। और अब हम इन सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। आप इसमें अपने पसंद की कोई भी सब्जी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि शिमला मिर्च, बीन्स, स्वीट कॉर्न एक्सेट्रा। इसमें मैंने सोडा बिल्कुल भी नहीं ऐड किया है। आप देख सकते हो ये जो मिक्सचर है वो काफ़ी ज़्यादा फ्लफी लग रहा है। लग रहा है ना, इसमें सोडा वगैरह ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बिना सोडा का ही बहुत ही अच्छा बनता है। तो ये देखिए आप, इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी गाढ़ी लग रही है ना, तो इसे हम पतला करेंगे। तो इसमें मैं ऐड कर देती हूँ ज़रा सा पानी और इसे हम अच्छे तरीके से एक बार मिक्स कर लेंगे। इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना, वो बिल्कुल डोसा बैटर जो होता है ना, बिल्कुल वैसा होना चाहिए। ना ही बहुत ज़्यादा पतला, ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा, हल्का सा मिड में होना चाहिए। जैसा आप चीला वगैरह बनाते हो ना, बिल्कुल वही कंसिस्टेंसी की होनी चाहिए। इसे मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने इसे मिक्स कर लिया। आप देख सकते हो इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। तो यहाँ पर हमारा चावल दाल का जो बैटर है वो बनकर तैयार है। और अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट प्रोसेस में। तो यहाँ पर मैंने ले लिया एक तवा, ये नॉनस्टिक तवा है। इसके ऊपर मैंने तेल बिल्कुल भी नहीं अप्लाई किया है। अगर आप इसे ऑयल फ्री बना रहे हो तो आप इसे नॉनस्टिक तवे पर ही बनाएं। अगर आप इसे लोहे के तवे पर बनाते हो तो आपको हल्का सा तेल लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो तवे पर से ये नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर हमारा जो तवा है वो गर्म हो गया है। फ्लेम मैंने बिल्कुल लो पर रखा है और अब मैं इसके ऊपर ऐड कर दूंगी चावल दाल वाला बैटर। तो लगभग 2 बड़े चम्मच ये चावल दाल वाला बैटर इसके ऊपर डाल दें और अब हम इसे इस तरीके से स्प्रेड करेंगे और इसे आप लो फ्लेम में लगभग 1.5 मिनट के लिए कुक करें। चावल दाल जो है हमारा कच्चा है तो उसे पकाना बहुत ज़रूरी है। तो इसे आप लो फ्लेम में आराम से 1.5 मिनट के लिए कुक करें। उसके बाद आप इसे इस तरीके से फ्लिप कर लें, वापस से 1.5 मिनट के लिए कुक करें और इसे पलट दें। 1.5 मिनट के बाद हम इसे इस तरीके से पलट देंगे। तो यहाँ पर हमारा दाल चावल का ऑयल फ्री और बहुत ही टेस्टी नाश्ता जो है ना, वो बनकर तैयार है। इसे मैं सर्व कर देती हूँ। तो इसे आप दही के साथ सर्व करें या चटनी के साथ, बहुत ही टेस्टी जाती है। मुझे ये पर्सनली दही के साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। आप इसे ऑयल के साथ भी बना सकते हैं। तो एक चीला मैं आपको ऑयल के साथ बनाकर दिखाती हूँ। तो सबसे पहले ये चावल दाल वाला जो बैटर है वो इसके ऊपर ऐड कर देंगे लगभग 2 बड़ा चम्मच और इसे इस तरीके से फैला देंगे और इसका ऊपर वाला जो सरफेस है उसे हम हल्का सा सूखने देंगे। 1.5 मिनट के बाद हम इसके साइड के एजेस में हल्का सा तेल लगा देंगे और इसे इस तरीके से पलट देंगे और इसके पीछे में भी हल्का सा तेल लगा देंगे और साइड के एजेस में भी हल्का सा इस तरीके से तेल लगा दें और इसे आप अच्छी तरीके से फैला दें। 1.5 मिनट के बाद हम इसे इस तरीके से पलट देंगे और इसे हल्का सा क्रिस्पी होने तक कुक करेंगे। बहुत ज़्यादा कड़क ना करें, ये सॉफ्टी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ पर हमारा चावल दाल का बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनकर तैयार है। इसे मैं सर्व कर देती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आ रही है। अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।